आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। वर्चुअल रैली धोखा है, धोखा है, धोखा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद द्वारा अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध किया गया। पूर्णिया के पार्टी कार्यालय में भाकपा के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य राजीव सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों के उपयुक्त व्यवस्था नहीं करने और इस भीषण स्थिति में भी डिजिटल सभा कर राजनीति करना बिहार के गरीब मजदूर किसान का अपमान है, जिसको लेकर सभी वामपंथी पार्टी पूरे प्रदेश में अपने अपने कार्यक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा किसानों के सभी तरीके के ऋण माफ और मक्का का न्यूनतम मूल्य 2250 रुपये निर्धारित किए जाने की भी मांग की है और मक्का खरीद केंद्र खोले जाने की भी बात रखी। वहीं सभी मजदूरों के रोजगार की भी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे, इस पर भी जोर दिया है। हम लोग आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। आज पूरा देश जहाँ कोरोना के महामारी से जूझ रहा है और खास करके बिहार अभी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा बिहार का मजदूर सड़कों पे मार खाया है, डंडा खाया है, भूखों मरा है, चाहे कितनी माएँ मर गई, कितना बच्चा मर गया भूख से, लोगों को आने में परेशानी हुआ। तो इन सभी समस्याओं पर इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को का नज़र नहीं है, लेकिन उनका नज़र अब चुनाव बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो उसकी तैयारी आज वर्चुअल रैली से कर रहे हैं। हम लोग इसी का पूरे देश में सभी वामपंथी दल मिल के आज इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह का नौटंकी बंद कीजिए। पहले अभी बिहार में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ज़रूरी है, शिक्षा का ज़रूरी है, किसान का मक्का का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, लाखों लाख युवा बेरोजगार हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गया। पहले उसके रोजगार का व्यवस्था कीजिए, उसके खाने पीने का व्यवस्था कीजिए, उसके इलाज का व्यवस्था कीजिए। आप कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं और ऊपर से आप रैली का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ने में और रैली में कोरोना महामारी नहीं है? यह इस देश के साथ, इस गरीब जनता के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ क्रूर मजाक है और यह आप लोकतंत्र का एक तरह से हम लोग मानते हैं आप हत्या कर रहे हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं सभी वामपंथी दल मिलके और उनको चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह का नौटंकी मत कीजिए। पहले जो जरूरी है किसानों को, हम लोग हर हमेशा मांग करते हैं मक्का का समर्थन मूल्य कम से कम 2250 रुपया किया जाए, पैक्सों में खरीदने का व्यवस्था कर दीजिए। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दलाल आज 1000-1200 रुपया प्रति क्विंटल ले रहा है और उसको फिर बाद में महंगा में बेचेगा या उसी से फिर पैक्स वाला खरीदेगा। अभी आप घोषणा नहीं कीजिएगा, लेकिन जब किसान बेच देगा उसके बाद आप घोषणा कीजिए आज पैक्स में खरीदारी होगी, वहाँ दलाल बेचेंगे, किसान को तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं। हम मांग करते हैं आज आप मक्का का न्यूनतम मूल 2250 कीजिए, किसानों का सभी कर्ज माफ कीजिए, मजदूरों के खाने पीने और रोजगार का व्यवस्था कीजिए, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, लाखों लाख युवा बेरोजगार हो गया उसका रोजगार का व्यवस्था कीजिए और यह जात धर्म का नौटंकी मंदिर मस्जिद का राजनीति बंद कीजिए। इससे देश नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मूलभूत समस्या से ध्यान भटकाने के लिए आप मंदिर मस्जिद का राजनीति करते हैं, युवाओं का ध्यान भटकाते हैं, क्योंकि हमसे लोग रोजी रोटी का सवाल नहीं करे और यह इस तरह का जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए, और साथ ही साथ आप 2000000 करोड़ का पैकेट देकर जो इस देश के जनता के साथ क्रूर मजाक किए, मजाक मत कीजिए। आज हम मांग करते हैं मिडिल क्लास हो, मजदूर हो, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, 3 महीना का बिजली बिल माफ हो, 3 महीना का किसी तरह का EMI लोगों का माफ हो और स्कूल फीस माफ हो। आप ये काम कीजिए और मक्का का समर्थन मूल्य दीजिए, लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। 2000000 करोड़ का पैकेज से किसी को कुछ, न किसान को मिलेगा, न मजदूर को मिलेगा, न मिडिल क्लास को मिलेगा, न युवा को रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ फिर कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति विजय माल्या नीरव मोदी पैदा होगा,
लोन लेगा भाग जाएगा विदेश, इसीलिए आप पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए पैकेज है। गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को इससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग जो मांग किए हैं उसको डायरेक्ट सबका ऋण माफ कीजिए, सब व्यवस्था कीजिए। आप मानते हैं ये वर्चुअल रैली जो है चुनाव का बस बस वर्चुअल रैली चुनाव का शंखनाद करना, और आप समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार में लोग मर रहे हैं और बिहार में कोरोना की महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO का रिपोर्ट है जून और जुलाई में और ज्यादा फैलेगा। ये नौटंकी करने का भी क्या जरूरी है।